कल ईडी का एक न्यूज़ आया था, उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड 23 बैंक अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इसको कंडेम करता है, ये एक अनडेमोक्रेटिक मूव है और क्लियर मिसयूज ऑफ पावर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक जेन्युइनली मानता है कि ये गवर्नमेंट जो है इस तरीके का एक हथकंडा, इस तरीके का एक स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ लोगों को, खासकर अपोजिशंस को, एनजीओ को, एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन सबको सप्रेस करने के लिए, इनके वॉइस सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ईडी को एक टूल के जैसा यूज़ कर रहा है। नॉट जस्ट ईडी, ईडी की तरह जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, सारे सेंट्रल एजेंसीज को भी जो है गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। और पॉपुलर फ्रंट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे से पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आगे भी होगा। इसमें थोड़े फैक्ट्स आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि इन्होंने एक नंबर दिया है, फिगर्स दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में इतना एक पैसे डिपॉजिट हुए हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 60 करोड़ का उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन कन्वीनियंटली आप देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स है, वो एक साल का नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ नेशनल वाइड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अमाउंट उन्होंने मेंशन किया है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन उसमें फिगर्स को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की गई है। उसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जो उन्होंने कन्वीनियंटली इसके अंदर मिस कर दिया है कि ये जो डिपॉजिट्स थे, ये डिपॉजिट्स में एक बहुत बड़ा चंक जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कैलामिटी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कलेक्शन ड्राइव करता है, फॉर एग्जाम्पल आसाम फ्लड, केरला फ्लड, तमिलनाडु फ्लड, कश्मीर फ्लड, मुजफ्फरनगर राइट्स, ऐसे बहुत सारे जगह में जब ऐसे कोई एक कंट्री में मैन मेड या नेशनल कैलामिटीज आती हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैरीज आउट कलेक्शन ड्राइव। और उस चीज़ को भी इन्होंने क्या कर दिया है कि एक इस अमाउंट के साथ ऐड कर दिया है और बड़ा एक नंबर सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर दी गई है। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर शॉकिंग बात यह है, क्या ये जो नंबर ईडी ने आप लोगों के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, इसमें कौन सा बड़ा इन्वेस्टिगेशन है? दिस नंबर्स आर ओपन नंबर्स दैट पॉपुलर फ्रंट ईयरली सबमिट्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर एक पैनी को हम लोग अकाउंट करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके फाइल करते हैं अपना रिटर्न्स। तो ये कोई बड़ा ईडी के इन्वेस्टिगेशन में आने वाला नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, ये सेम नंबर्स हैं जो हर साल हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो फिर भी आप देखिए इसको ऐसा बनाया जा रहा है ईडी के तरफ से कि किसी को पता नहीं था, और ईडी ने आकर जो है एक बड़ा सेंसेशन लोगों के सामने रख दिया, हालांकि इनकम टैक्स के पास ये चीज़ पॉपुलर फ्रंट लीगली एवरी ईयर फाइल कर रहा था। उसके साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, इफ़ यू ऑल रिमेंबर इन 2020 there was reports given to the media by unknown sources in ED that Popular Front of India got 120 crores. All of you might have remembered that, you all asked us many questions that time, that Popular Front ko 120 crores aaya hai as per ED records. Abhi ED bata raha hai 60 crore. Uska matlab kya hai? The same people who said 120 crores are now saying 60 crore. So that means उस टाइम जो रिपोर्ट ईडी सोर्सेज के तरफ से मीडिया को फीड किया गया था, दैट वाज फेक, फैब्रिकेटेड विद द ओनली इंटेंशन ऑफ डिफेमिंग पॉपुलर फ्रंट। और आज ईडी का जो स्टेटमेंट आया है कल, वो स्टेटमेंट ईडी के प्रीवियस एलिगेशन को नेगेट करता है। अनदर थिंग वी वांट टू से दैट यू ऑल कैनॉट ब्लाइंडली बिलीव इन वॉट ईडी इज सेइंग, बिकॉज इट वॉज द सेम ईडी वॉज गिविंग फैब्रिकेटेड एंड फेक इनपुट्स टू मीडिया इन 2020 एंड टुडे दे हैव नेगेटेड देमसेल्फ। It's a proof they themselves have, with their ulterior motive is clear in that. Secondly, इसके अंदर आप देखेंगे same strategy Popular Front के साथ ही नहीं, Amnesty International के साथ भी हुआ, Greenpeace के साथ भी हुआ, उनके भी accounts हम देखते हैं freeze किया जा रहा है। और इंडिया में एक ट्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि एनी करप्ट पॉलिटिशियन जिसके पीछे बीजेपी आता है, ईडी आता है, द नेक्स्ट मोमेंट वो बीजेपी को ज्वाइन करता है। यानी ईडी को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है इवन टू प्रेशराइज पॉलिटिशियंस टू ज्वाइन बीजेपी। अ वेरी ह्यूज लिस्ट हमारे पास है, आप लोगों को, मीडिया को भी पता है कितने लोग जिनके पीछे ईडी आया था ऑल ऑफ अ सडन बीजेपी को जाते हैं और वॉशिंग मशीन की तरह क्लीन हो जाते हैं। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े एमपीस, वो लोगों ने भी इस तरीके का बात ओपनली कहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखते हैं, क्या इंडिया में बीजेपी के एमपीस पर, बीजेपी के लीडर्स पर करप्शन एलिगेशंस नहीं है? क्या ईडी बीजेपी के पीछे क्यों नहीं जाता? Why is ED not going after BJP leaders? और आप देखेंगे बीजेपी के crores and crores के corruption scandals को conveniently ED ignore कर रहा है।
इसमें एक पॉइंट वेरी क्लियर है कि ईडी इज एक्टिंग एज अ टूल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय द बीजेपी टू टारगेट एनी वॉइसिस दैट अपोज द आरएसएस दैट अपोज द संघ परिवार और दे अपोज द बीजेपी पॉलिसीज देर इज नो डाउट इन दैट. इसमें लास्ट 8 साल में न्यूमरस प्रूफ्स है और इवन एवरीवन इन द कंट्री नोस. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज बीइंग टारगेटेड फॉर वन मेजर रीजन इज बिकॉज वी हैव emerged फ्रॉम द मार्जिनलाइज सेक्शंस. मार्जिनलाइज सेक्शन से हम एमर्ज हुए हैं, हमें फंड पब्लिक करता है और फ्रॉम डे वन वी हैव अ पॉलिसी दैट एज द पीपल आर फंडिंग अस सो आवर एंटायर फंडिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड दैट इज वॉट आई सेड अर्लियर ईच एंड एवरी पेनी इज अकाउंटेड थ्रू आवर इनकम टैक्स रिटर्न. दैट इज आवर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दैट वी हैव मेंटेन. पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने का एक मेजर रीजन इसके अंदर हमारा अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है टुवर्ड्स आरएसएस, टुवर्ड्स द फैसिस्ट, टुवर्ड्स द यूनियन गवर्नमेंट्स एंटी पीपल पॉलिसीज बिकॉज ऑफ द बीजेपी इन्फ्लुएंस. जो हम लोग इसको जो अपोज कर रहे हैं इसके वजह से दे आर टारगेटिंग एंड इट इज प्योरली पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस बट दे आर टारगेटिंग अस टू स्टॉप अस फ्रॉम वॉट वी आर डूइंग. दे आर टारगेटिंग अस टू पुश अस बैक. बट पॉपुलर फ्रंट वुड लाइक टू से दैट वी विल कंटिन्यू अवर असर्टिव स्टैंड. हमारा जो अब तक का स्टैंड है ये स्टैंड में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है. यू विल सी नो चेंजेस इन अवर असर्टिव स्टैंड. वी विल कंटिन्यू अवर असर्टिव स्टैंड एंड वी विल कंटिन्यू अवर अपोजिशन टू द इविल डिजाइंस ऑफ द आरएसएस. इफ दे थिंक दैट यूजिंग सच एजेंसीज अवर अपोजिशन अवर कन्फ्रंटेशन टू देम टू देयर पॉलिसीज विल स्टॉप दे आर मिस्टेकन. इट विल कंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू. नंबर टू, इफ दे थिंक पॉपुलर फ्रंट विल बी इंटीमिडेटेड, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट डर जाएगा ऐसे चीज़ों के अंदर, तो वो भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके के हटकंडे से आप हमें डरा नहीं सकते क्योंकि दिस इज ऑल ऑलरेडी प्रिडिक्टेड. ऐसा हमारे पर होने वाला है, ये कोई बड़ा एक सस्पेंस की बात नहीं है, सरप्राइज नहीं है. हर कोई जानता है कि ऐसा होने ही वाला था. एवरी वन वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम. इवन वी वर एंटिसिपेटिंग, वी न्यू दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन अगेंस्ट पॉपुलर फ्रंट पेंडिंग एंड वी आर सीइंग दिस डिसीजन इज पार्ट ऑफ दैट. सो पॉपुलर फ्रंट विल नॉट बी इंटीमिडेटेड. हम लोग डरने वाले नहीं ऐसे एक स्टेप से एंड वी विल एक्सप्लोर ऑल द लीगल एंड डेमोक्रेटिक ऑप्शंस टू ओवरकम दिस इंटरेस्ट. इंडिया स्टिल इज अ डेमोक्रेसी. इंडिया में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का राज है. इंडिया के अंदर अभी भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है. अभी भी इंडिया के अंदर होप है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो जो लीगल ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हैं, जो जो डेमोक्रेटिक ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है, पिछले कई सालों से जब भी हमारे खिलाफ ऐसे ऑपोजिशन आए हैं वी हैव बीन यूजिंग ऑल आवर लीगल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स एंड वी आर एबल टू कन्फ्रंट देम थ्रू लीगल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स. वी विल कंटिन्यू दैट. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वापस और एक पॉइंट भी वी वॉन्ट टू एड्रेस टू द पीपल ऑफ द कंट्री. वी वॉन्ट टू एड्रेस इट टू द पीपल ऑफ द कंट्री हु लव डेमोक्रेसी, जिनको डेमोक्रेसी से मोहब्बत है, जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. दिस इज टाइम दैट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड कंडेम व्हाट इज हैपनिंग विद पॉपुलर फ्रंट. अ साइलेंस शुड नॉट बी देयर बिकॉज इट इज प्रिटी क्लियर दैट इट्स नॉट एन अटैक ओनली ऑन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया. इफ यू हैव सीन पिछले चंद हफ्तों में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज एंड अपोजिशन लीडर्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे इसी तरीके से अटैक्स हुए हैं. तो जितना वोकल दूसरे पार्टीज या दूसरे इंडिविजुअल पर अटैक होने के वक्त जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस वोकल थे, पॉपुलर फ्रंट पर अटैक होने के वक्त भी हमारा उनसे रिक्वेस्ट है, हम उनसे अर्ज करते हैं कि आपको पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ भी जो ये एक अनडेमोक्रेटिक मूव हो रहा है इसके खिलाफ आपको बात करना है. और बीजेपी गवर्नमेंट जो एक यूनियन गवर्नमेंट जो एक मिसयूज ऑफ पावर कर रही है अनपैरेलल इन इंडियन हिस्ट्री, ये मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ भी बोलना जरूरी है. सो आई वुड लाइक टू एंड अगेन सेइंग दैट दिस इज समथिंग दैट इज नथिंग शॉकिंग. इट्स कम्प्लीटली अ फेक फैब्रिकेटेड अटेम्प्ट बाय अ एजेंसी दैट इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ द गवर्नमेंट. ये कोई भी एक बड़ा स्टेप जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप नहीं था. हर कोई जानता था, सबके साथ हो रहा है. पॉपुलर फ्रंट के साथ भी ऐसा ही एक पॉलिटिकल मूव होने वाला है और उन्होंने पॉलिटिकल मूव किया थ्रू एक एजेंसी जो प्योरली टेंटेड एजेंसी है, जो गवर्नमेंट के एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह काम कर रही है टू ऑप्रेस, टू सप्रेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पॉपुलर फ्रंट एंड एनी अदर ऑपोजिशंस. और पॉपुलर फ्रंट विल नॉट बी इंटीमिडेटेड. हम डरने वाले नहीं हैं इन चीज़ों से. हम जिस तरीके से हमारी जो एक स्ट्रगल थी, हमारे एक डेमोक्रेटिक कॉज के लिए हमारा जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल कंटिन्यू होते रहेगा. द डेमोक्रेटिक डिसेंट इन दिस कंट्री विल नॉट बी टॉलरेटेड. उसके लिए वी वेर इन द पाइपलाइन
बहुत सारे लोग पे हमला हो चुका है, हम पे हुआ है, और इट विल कंटिन्यू टू हैपन. एंड देयर एक्सपेक्टेशन दैट बाय दिस काइंड ऑफ अटैक्स विच द ईडी इज डूइंग, दिस डेमोक्रेटिक स्ट्रगल फॉर जस्टिस विल बकल डाउन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो अभी एक थॉट जो एवॉल्व हो रहा है, ये PFI पे हमला नहीं है, एक पे हमला सब पे हमला है. PFI एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के लिए खड़ा हुआ संगठन, उस पर आज जो एक हमला हुआ है, उनके अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच करना, ये एक मैसेज है कंट्री के लिए, एक मैसेज है टू व्हाट लेवल दे कैन गो टू कर्ब द वॉइसेस ऑफ डिसेंट. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी हैव टू इंटरप्रेट दिस action by the enforcement directorate.